करूं मैं, सुबह खेती में जाना पड़ता है, फिर आके लेट हो जाती हूँ, मेरे कपड़े भी धोने को है, मैं क्या करूं, कब धोऊं, शाम को भी फिर खेत जाके फिर थक जाती हूँ, नहीं तो कभी रात को भी धोती थी, पर आजकल इतना थक रही हूँ मैं, हे भगवान, करूं तो क्या करूं, किसको सुनाऊं अपना दुख, मैं कोई नहीं सुनता मेरा दुख। जी, मैं रेडी हो गई हूँ ड्यूटी जाने के लिए, क्योंकि आज मुझे पैदल जाना पड़ेगा। पिछले कल की वीडियो जिसने देखी है उसमें आपने देखा होगा कि रोड में फिर से काम स्टार्ट हो गया है, तो गाड़ी लेके जा नहीं सकते आज, आज मुझे पैदल पैदल जाना पड़ेगा। और कल का मैं छाता भी वहीं भूल गई हूँ, और मैं अब दूसरा छाता ले जाना नहीं चाहती, क्या घरों ले जाऊँ, फिर वो एक वहीं पड़ा रहेगा, देखती हूँ धूप के हिसाब से ले जाना ही पड़ेगा। इस धूप है ना, इस टाइम में क्या ही बताऊँ, और मैं छाता लेके नहीं आई हूँ, ऐसे धाटू करके आई हूँ मैं, क्योंकि पिछले कल का मैंने छाता यहीं भूला था, फिर ये ऐसे पड़े रहते हैं मेरे छाते, एक आजकल फिर से गुम हो गया, मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया वो, कि कहीं भूल गई हूँ मैं फिर से उस छाते को, कोई पता नहीं है भाई। और जा रही हूँ मम्मी के पास, मज़े से लंच करके रेस्ट करूँगी, आज शाम की बस्ती जाऊँगी। हाँ, ऐसी धूप में कौन मरेगा। चलिए फिर ढूंढते हैं माँ को, मुझे आजमा नज़र नहीं आ रही। माँ की कार्रवाई चल रही है, अब चादरें लगा दी इधर को, अब ये काय को लगा दी मतलब, अब लगा दी चादरें, अब सड़ना भी इसमें नहीं चाहिए, टाइलें सड़नी थी इसमें, और ये लोहे की वो क्या बोलते यार, पिलर, जब तक लकड़ के तब नहीं। अच्छा, गोरखों के प्रोटेक्शन फूलों के लिए किया है मम्मी ने, वाह, क्योंकि सीधा चलते हैं फिर क्यारी में, इसलिए सीजन स्टार्ट होने से पहले ये इंतज़ाम हो गया है, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए ना काम करने को, और कुछ नहीं सूझता होगा। चलो फिर यही सही, बेले नहीं रह सकते, और धूप में धो ये रोबी नहीं नहीं लाओ खाए। ओम बनास तिप्ते कौन कौर बेश रोई तो मुआं तो जाने हो पीठा मूसा दे लाई सोंगिया, पीठा मूसा दे लाई लो। आज मैं सोच के आई थी आज मैं मम्मी के घर जाऊंगी, खाऊंगी और सो जाऊंगी, आज मम्मी ने मुझे आटा गूंदना लगा दिया, क्या दूसरी करूं बार मैं सोचने का भी नहीं। दूसरी बार बिना सोच के ही आऊंगी, कुछ नहीं देखा ना, सोचूंगी, ये नहीं सोचना कभी सोचना ना, भी नहीं पड़ता कुछ भी, ना उल्टा ही हो जाता है। सुख नहीं सोचना कभी ना। सुख नहीं, आज मैं थकी थी, मैं सोचा चलो वे पहले मैं छुट्टी लेने लगी थी, फिर मैंने सोचा यार क्या करना, 7 दिन भर भी यहाँ 1 घंटा चल के फिर पर जाके ड्यूटी से सो जाऊंगी फिर मम्मी के पास, बस बस हाँ बोरी रो पाए सूता वे इतना इतना काम आ गए। आज मम्मी के बेचारी के आटा ही नहीं था, आज लगी थी ना नीचे क्या बोलते हैं पेड़ पौधे बांधने, अपने लिए था आज मम्मी के खाना, पहली बार ऐसे हुआ, जब होती है और बारी जब दोनों तब बनाया तब कई बार आती हूँ ऐसे होता है। आए मैं बजे आ रही है बस, 5:30 बजे पहुंच रही हूँ घर पे, क्योंकि बस इतनी लेट आई है, 1 घंटा लेट थी, 5:15 बजे आज कोठीधाम में बस आई, तो मुझे आते आते आने को तो आज बहुत ठंडा ठंडा सा है, अच्छा है आज चलने के लिए ठंडा ठंडा मौसम, और गांव में बिल्कुल सन्नाटा, कोई भी बाहर नहीं दिख रहा है इस टाइम, और दिखेगा भी कौन बाहर, कोई घास काट रहा है, वो मशीन की आवाज़ आ रही है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि बच्चे सब बाहर है गांव से, तो कौन ही दिखेगा, गांव में रहते बहुत कम है लोग अब।
कोई वहाँ जा रहा है नीचे सड़क में वॉक पे। दीदी बर्तन मांज रही है। हेलो और ये है शाम का व्यू यहाँ से। ये मेरी झाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी होगी और वहाँ पे मेहता जी की कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। आपको खेत की ओर क्योंकि पत्थरों का ढेर दिखाती हूँ। वीर शुक्र शनि 3 दिन में हमने ये बाग कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट मतलब आज शाम हो जाएगा अगर मैं भी आऊँगी। ये है पत्थरों का ढेर, तो देखिए वहाँ से लेकर 3 दिन में हमने इतने सारे पत्थर निकाले हैं इस खेत से, ये देखिए। और ऐसे ही मेरे बाजू नहीं दुख रहे और पौधे बेचारे इतने छोटे छोटे हैं अभी। और ये गर्ल ग्लव्स भी मतलब फट गए हैं। कपड़े खोल के आना पड़ेगा, कपड़े खोल के इसलिए क्योंकि इसके साथ जो पजामा है ना वो इतना टाइट है उससे उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो काम करने के लिए चाहिए ढीले ढीले कपड़े। और यहाँ से व्यू कितना सुंदर आ रहा है यार, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं ऐसे करके। वाओ, मुझे यहीं पे यहीं से वो करना पड़ेगी ब्लॉगिंग। मेरे पीछे देखिए यहाँ पे जो ये वाला व्यू है ना, ये हसन वैली है। ये मेरे घर से हसन वैली दिखती है वहाँ पे, चरेड़ा वैली। और वहाँ पे कोई उल्टा आ रहा है, उल्टा उल्टा है, उल्टी गाड़ी करके आ रहा है कोई वहाँ पे। देखिए इसकी उंगलियां निकल गई है बाहर, इन ऐसे पत्थरों में ग्लव्स नहीं चल रहे हैं, उंगलियां तो बेचारी कहाँ ही चलेगी। वो फट के सारी उंगलियां बाहर निकल चुकी है एक दिन में, इतने वो तेज पत्थर है ये। और रोड़ी का ढेर है यहाँ पे, पीछे पीछे से रोड़ियां ही रोड़ियां हैं। एक काम से कंप्लीट हो गया, मतलब एक खेत से। अब मैं जाऊंगी गांव में, थोड़ी मेहमानी कर लेती हूँ। मेहमानी का टाइम तो कहाँ है, बट कहीं पे ज़रूरी जाने को है तो फिर चले जाती हूँ भी आज नीचे। चले जाती हूँ भी आज नीचे, आज टाइम हो का है। ठीक है, बोल के दुख सुख बांट के आ जाते हैं गांव से, भी दुख सुख भी बांटने पड़ते हैं। चलिए फिर अब ले चलती हूँ मैं आपको गांव। फसल तैयार हो चुकी है, ये देखिए। कल सुबह होगा तोड़ान, आज मैं गांव की तरफ आई तो मैं सोचा चलो दिखा देती हूँ आपको मेरे प्यारे प्यारे से पौधे छोटे छोटे। वाह, इस वाले में तो बहुत अच्छी हुई यार, टहनी टूटने वाली है, ये तो बांधी भी नहीं है ये ऊपर। ओहो, काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ मैं इस वाले खेत में, गांव की तरफ ही आ रही हूँ काफी टाइम के बाद। देखो नहीं, और आज वीकेंड पे मैं आई हूँ अब गांव में, गांव के लोगों से मिलने। ये देखिए फेसबुक पे गलत डाला, मैं यहाँ पे बर्थडे मनाने आ गई थी। मैंने सोचा चुपके चुपके से खाएगी केक, मैं भी चले जाती हूँ। यहाँ आके पता चला मुझे कि वो तो अभी 2 दिन बाद है, फिर मुझे और आना पड़ेगा। अब क्या करूँ मैं 2 दिन पहले आ गई हूँ। हाँ, घंटा पहले आई फिर पीछे बैठी।